गुड मॉर्निंग एवरी वन आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इज इन लाइफ एनवीटी का मतलब है कि जब आपको मिल रही है पीरियडिक पेमेंट्स किसी चीज की किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हो तो उसे हम एनवेटी कहते हैं एनवी इन लाइफ इंश्योरेंस में क्या है एक लाइफ एनवीटी का मतलब है, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू विच जो इंश्योरर है वो एक सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स करेगा इंश्योर्ड को या पॉलिसी होल्डर को इन एक्सचेंज ऑफ सीरीज ऑफ पेमेंट्स जो इंश्योर्ड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम्स या और लमसम पेमेंट सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इसका मतलब है कि जो इंश्योर्ड है उसने लमसम में पेमेंट कर दी इंश्योरेंस कंपनी को या फिर पीरियॉडिक कुछ पेमेंट्स कर दी और उसके बाद एक पर्टिकुलर पीरियड तक हो सकता है या पूरी लाइफ टाइम तक हो सकता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरर है वो पॉलिसी होल्डर को इंश्योर्ड को फ्यूचर पेमेंट्स करेगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के इंटरवल्स में तो उसे हम कहते हैं लाइफ एनविटी जो एनविटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और ये इशू एक इंश्योरेंस कंपनी करती है बेसिकली किस चीज के लिए ताकि प्रोटेक्ट हो कर सके इंश्योर को फ्रॉम रिस्क ऑफ आउट इनकम मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप जब रिटायर हो जाए या ओल्ड एज में हो जाए तो आपको हर मंथ एक अगर आ, फिक्स जो इनकम है मंथली जो आपका पैसा है आपको एक फिक्स अमाउंट मिलती रहे तो उस केस में आप इस एनविटी को यूज कर सकते हैं तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो पेमेंट्स पॉलिसी होल्डर ने की है इंश्योरेंस कंपनी को उन्हीं को वो कन्वर्ट कर देते हैं पीडिक पेमेंट्स में जो लास्ट करती है आपकी पूरी लाइफ के लिए तो जो प्लान है पॉलिसीज है ये प्रोवाइड करवाती है रिस्क कवर भी ड्यूरिंग पीरियड और ऑन द सर्वाइवल ऑफ द पॉलिसी होल्डर अगर वो टर्म जो है पॉलिसी की उससे ज्यादा वो सर्वाइव करता है तो जो भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उसे यूज किया जाता है पॉलिसी होल्डर के लिए एनविटी जनरेट करने के लिए तो फीचर्स क्या है एनवेटी ग्रांट के सबसे पहला है गारंटेड एडिशन एनवेटी पॉलिसी जो है उसका ये फीचर है कि गारंटेड एडिशन होते हैं जो भी सम एश्योर्ड आपका है एवरी uh, ईयर उसमें कुछ ना कुछ एडिशन होगा जो नंबर ऑफ इयर्स है जो जिसके लिए जो गारंटेड एडिशन है uh, आपको उसकी फैसिलिटी दी जा रही है गारंटेड एडिशन जितने इयर्स के लिए पे किया जाएगा वो डिफर कर सकता है पॉलिसी टू पॉलिसी एंड इंश्योरर टू इंश्योरर देन नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑन वेस्टिंग जो इंश्योरर है उसको ऑप्शन दिया जा सकता है कि वो चूज कर सकता है कि उसने जो एनुइटी है उसको कम्यूट करवाना है या फिर जो एनुइटी है वही उसने रखनी है as per the option of annuity selected देन पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट जो एनुइटी पॉलिसी है उसका यह भी फीचर है कि वो आपको पार्टिसिपेट प्रॉफिट्स में करवा सकते है। वो ऑप्शन होता है एक्चुअली कंपनी आपको देती है या नहीं देती है वो डिफर करता है इंश्योरर टू इंश्योरर तो इसका मतलब है कि जो बोनस है वो भी आपके सम एश्योर्ड में ऐड किया जाएगा और जो आपकी पेमेंट है एनविटी पेमेंट्स जो आपको मिल रही है उसका अमाउंट फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगा द नेक्स्ट इज एनविटी ऑप्शन जो इंश्योर है वो प्रोवाइड करवा सकता है नंबर ऑफ ऑप्शन एनविटी के लिए तो आउट ऑफ जो पॉलिसी होल्डर है उसे चूज करना है जो वेरियस टाइप की हैं उसमें से जो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे पॉलिसी तो जो भी विद एक्रूड बोनसेस वो आपको पे किए जाएंगे और जो नॉमिनी है उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो परचेज कर सकता है एनवीटी क्लेम अमाउंट से देन रिटर्न्स जो रिटर्न्स है एनविटी पर वो पे किए जाते हैं मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली और इर्ली बेसिस पे देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज टाइप ऑफ एनवी जो क्लासिफिकेशन है एनवीज की हम वेरियस टाइप के वेरियस बेसिस के ऊपर करते है सबसे पहले अकॉर्डिंग टू या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लाइफ कवर्ड

मर जाता है उसके बाद आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी बट uh, लेकिन इस टाइप ऑफ एनवी ये जो एनविटी है वो तब अच्छी नहीं मानी जाएगी तब जाएगीबल नहीं होती है जब जो है उसका कोई इनकम जो उसकी खुद की है वो नहीं है देन आपका मल्टीपल लाइफ एनविटीज अगर एक या एक से ज्यादा पर्सन के लिए मोर देन वन पर्सन के लिए आप कवर ले रहे हैं अंडर एनवी तो उसे हम मल्टीपल लाइफ एनविटी कहते हैं मल्टीपल लाइफ एनविटीज को हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एक है ज्वाइंट लाइफ एनविटी और एक है लास्ट सर्वाइवर एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब है जहाँ uh, का मतलब है जहाँ पर जो पेमेंट है एनवीटी की वो लिमिटेड है टिल डेथ ऑफ एनी वन एनवीटी एनुटेंट मतलब कि आपने दो पर्सन के लिए एनवी ली हुई है सपोज तो उनमें से जिस जब भी किसी एक की डेथ अगर हो गई तो जो आपको एनविटी मिल रही है वो बंद हो जाएगी नेक्स्ट इज लास्ट सर्वाइवर यहाँ पर जो पेमेंट है एनवी की वो मेड की जाती है टिल द डेथ ऑफ लास्ट पर्सन अगर दो पर्सन के लिए ली है तो अगर एक की डेथ होगी है तो स्टिल जो आपको पेमेंट है वो चलती रहेगी जब तक जो नेक्स्ट पर्सन है उसकी भी डेथ ना हो जाए तब तक जो आपकी एनवी है वो कंटिन्यू रहेगी इसे हम कहते हैं लास्ट सर्वाइवर एनवी देन है अकॉर्डिंग कमेंसमेंट ऑफ़ बेनिफिट्स इसके अकॉर्डिंग हम पहला जो हमारा है क्लासिफिकेशन दैट इज इमीडिएट एनविटी इमीडिएट एनविटी में जो पेमेंट्स है बायर को वो इमीडिएटली शुरू हो जाती है जब उसने कॉन्ट्रैक्ट एनविटी का परचेज किया ये यूजफुल तब होती है जब जो बायर है उसे एक इनकम इमिडिएटली चाहिए और वो लम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है तो जो पेमेंट उसे के, की जाएंगी एनवे को वो होल ऑफ लाइफ की जाएंगी या एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए की जा सकती है नेक्स्ट है आपका डेफर्ड एनविटी डेफर्ड का मतलब होता है डिले आप कर रहे हो तो डेफर्ड एनविटी का मतलब है वो एनवेटी जिसमें जो पेमेंट है बायर को वो एक सर्टेन पीरियड के बाद शुरू होगी तो जो ये डेफर्ड पीरियड है उसे एक्यूमुलेशन पीरियड कहा जाता है और ये एनविटी अप्रोप्रिएट होती है वहां पर जहां पे आपको इमीडिएट इनकम नहीं चाहिए और आप टैक्स डेफर्ड ग्रोथ में आ, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस केस में ये सुटेबल होती है तो ये जो एनविटीज होती हैं ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स की फॉर्म में डिजाइन की जाती हैं जैसे अगर आपको रिटायरमेंट के लिए अगर चाहिए तो तो जो एनोटेंट है उसके पास ऑप्शन है कि वो विड्रॉ कर सकता है लमसम अमाउंट जब आपकी एनविटी पेमेंट शुरू होने वाली है उससे पहले ही द नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम इसके अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं सिंगल प्रीमियम प्लान एंड मल्टीपल प्रीमियम प्लान सिंगल प्रीमियम प्लान वो प्लान होते हैं जिसमें जो पेमेंट्स हैं फॉर परचेज ऑफ एनविटी वो एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में की जा रही है या लमसम में की जा रही है और फर्दर कोई प्रीमियम पे नहीं किया जाएगा उसे हम सिंगल प्रीमियम प्लान कहते हैं दूसरा है मल्टीपल प्रीमियम प्लान मल्टीपल प्रीमियम प्लान वो प्लान होते हैं जिसमें जो एनुटेंट है वो प्रीमियम पे करता है एक फिक्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में और जो अमाउंट है वो एक्यूमुलेट होती रहती है और आफ्टर द दिक्स टाइम पीरियड जो इंश्योरेंस कंपनी है वो रिटर्न देना आपको शुरू कर देती है नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डिस्पोजिशन ऑफ प्रोसीड इसके दो टाइप है पहला है लाइफ एनोटी जैसे कि नेम डिस्क्राइब करता है वो एनविटी जिसमें जो रेगुलर पेमेंट्स है वो एनविटेंट को मिल रही है होल ऑफ लाइफ और कोई भी अमाउंट उसकी डेथ के बाद पे नहीं की जाती इस ये प्लान वहाँ बेनिफिशियल होता है जहाँ पर जो एनुटेंट है वो सरवाइव करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अदरवाइज ये जो बेनिफिशियल होगा वो इंश्योरर के लिए होगा ना कि इंश्योर्ड के लिए नेक्स्ट है आपका गारंटीड पेमेंट एनुटी इस टाइप की एनवर्टी के, के अंदर जो पेमेंट है वो गारंटेड होती है फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स जो पेमेंट है वो एक फिक्स पीरियड के लिए दी जाएगी चाहे एनवर्टेंट जिंदा है चाहे जिंदा नहीं है तो इस टाइप की एनवटी को हम टू तो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक है इमीडिएट गारंटेड गार इस प्लान के अंदर जो पेमेंट है एनवीटी की वो कंटिन्यू रहती है टिल जब तक जो एनुटेंट है वो कर रहा है और उसकी डेथ पे जो भी डिफरेंस होगा आपके परचेज प्राइस का और जो भी एनवीटी की पेमेंट अभी तक आपको की जा चुकी है उसका डिफरेंस आपको मिलेगा लंब में और वो मिलेगा नॉमिनी ऑफ एनुटेंट को नेक्स्ट है ये सिमिलर है ऑर्डनरी डेफर्ड पीरियड के जो पेमेंट्स है वो कंटिन्यू रहती है फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ इयर्स और ये प्लान जो है इसमें भी जो रिफंड है बैलेंस अमाउंट का बेनिफिशरी को कैश में किया जाता है लमसम में ऑन द डेथ ऑफ एनुटेंट नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस जो एनविटी है उसे हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं पहला है हमारा वेरिएबल एनविटी वेरिएबल एनविटी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द एनुटेंट इसमें इस, इस एनवीटी में जो इंश्योरर है वो एग्री करता है कि वो प्रियोडिक पेमेंट्स करेगा और वो इमीडिएट एनवीटी भी हो सकती है और डेफर्ड एनवीटी भी हो सकती है और जो पेमेंट है वो की जाएगी एज पर दी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो एनोटेंट ने चूज किया है जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो जो पर्सन है वो अपने आप चूज कर सकता है कि कहा पे उसका पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाए वो म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं स्टॉक्स हो सकता है बॉन्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या इनमें से किसी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है नेक्स्ट इज फिक्स्ड जैसा कि नेम से पता चल रहा है फिक्स्ड एनविटी पे की जाती है एक टाइम पीरियड के लिए एट रेगुलर इंटरवल्स और ये सिमिलर होता है गरेंटेड पेमेंट एनविटी के देन है इंडेक्स एनविटी इसे हम इक्विटी इंडेक्स एनविटी भी कहते हैं ये कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड एनविटी का लेकिन यहाँ पर आपका जो इनकम पोटेंशियल है वो ज्यादा होता है वेरिएबल एनविटी की तरीके से तो जो रिटर्न्स है वो डिपेंड करेगा जिस इंडेक्स uh, में आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो रहा है उसकी परफॉर्मेंस पे वो क्या क्या इंडेक्स हो सकते हैं निफ्टी फिफ्टी हो सकता है बीएससी सेंसेक्स हो सकता है स्मॉल कैप इंडेक्स लार्ज कैप इंडेक्स हो सकता है तो इंडेक्स जो एनविटी है वो ऑफर करती है एक मिनिमम फिक्स रेट और एक सर्टन रेट जो है वो कंफर्म्ड होता है अगर बैड परफॉर्मेंस भी हो रहा है इंडेक्स का तब भी आपको एक सर्टेन कंफर्म्ड रेट से जो एनविटी की पेमेंट है वो होगी नेक्स्ट है आपका मिनिमम लिमिट्स क्या है एनविटीज के लिए और अदर बेनिफिट्स क्या है जो मिलते हैं पॉलिसीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के तो सेक्शन फोर क्या है इससे डील करता है सेक्शन फोर तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक्सेप्ट नहीं करती एनविटी अगर वो लेस देन वन हंड्रेड रुपीज है या जो ग्रॉस सम है वो लेस देन है Section 4 कहता है सेक्शन कहता कि इन केस अगर जो आपकी ग्रुप पॉलिसी आप ले रहे हो तो जो इंश्योरर है वो एक्सेप्ट कर सकता है ऑफ मोर देन फिफ्टी और ग्रॉस सम जो है वो मोर देन फाइव हंड्रेड रुपीज होना चाहिए जो ग्रुप है वो एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट का होना चाहिए और जो आई है उसने सर्टिफाइड किया होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म इन राइटिंग तो ये था हमारा टॉपिक एनवर्टीज़ का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्लेम का इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच